बॉलीवुड में रोज लिंकअप और ब्रेकअप की खबरें आती रहती है। कुछ स्टार्स अपने रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो कुछ लोग इसे छुपाते हैं, और अपने रिश्ते को छुपाने वाले कपल की लिस्ट में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी भी शामिल है। इस जोड़ी को लेकर कई न्यूज सामने आती है, लेकिन किसी को भी इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता। तो चलिए आज हम आपको इन दोनों के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में बताएंगे जिससे ये कंफर्म हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी को जब से फिल्म शेरशाह के लिए रोप इन किया गया है, तब से ही इन दोनों की लिंकअप की खबरें सामने आ रही है। तब से ही इन दोनों को कई बार साथ में स्पॉट भी किया गया है। पहले तो ये कहा गया था कि ये दोनों फिल्म के प्रेप के लिए साथ दिखते हैं, लेकिन धीरे धीरे लोगों ने इसे रिलेशनशिप ही मान लिया। ये शक यकीन में तब बदला जब न्यू ईयर के टाइम सिद्धार्थ और कियारा दोनों वेकेशन के लिए निकले और दोनों ने ही एक ही जगह से फोटोज को किया शेयर। अफ्रीका के जंगल सफारी करते हुए दोनों ने अलग अलग फोटोज शेयर किए। बस यही काफी था, फैंस ने तो सारे डॉट्स ज्वाइन कर लिए। फिर वेकेशन से रिटर्न आते वक्त भी दोनों को साथ में एयरपोर्ट पर स्पॉट भी किया गया था। सिद्धार्थ और कियारा अक्सर बर्थडे भी साथ ही सेलिब्रेट करते हैं, और एक बार तो कियारा को बर्थडे सेलिब्रेशंस के बाद सिद्धार्थ के कार से ही जाते भी देखा गया था। रिपोर्टेडली ये दोनों अक्सर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, अगर मिल नहीं पाते तो फोन से तो जुड़े ही रहते हैं। कहा ये भी जाता है कि दोनों ने एक दूसरे को अपने पेरेंट्स से भी मिलवाया। रिपोर्टेडली कियारा के घर पर एक डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया था जिसमें सिद्धार्थ अपने घर वालों के साथ पहुंचे थे। कई बार तो कई बड़े स्टार्स ने एक्सीडेंटली इन दोनों के बारे में रिवील किया है। लॉकडाउन के दौरान करण जौहर सोशल मीडिया पर लाइव आए थे और तब उन्होंने गलती से ये कह दिया था कि यंग पेयर जैसे कि सिद्धार्थ और कियारा साथ में अच्छे दिखते हैं। तब उनसे कंफर्म करने के लिए ये पूछा गया था कि क्या ये दोनों वाकई एक पेयर है। तब उन्होंने इस सवाल को डॉज कर दिया और कहा कि दे वुड मेक अ गुड पेयर। सिर्फ करण जौहर ही नहीं बल्कि एक बार अक्षय कुमार ने भी कियारा को टीज किया था सिद्धार्थ मल्होत्रा के नाम से। द कपिल शर्मा शो के क्लिप में कपिल शर्मा कियारा की लव लाइफ से जुड़ा सवाल पूछते हैं, जिस पर कियारा कहती है कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में तभी बात करूंगी जब मेरी शादी हो जाएगी। इस पर कपिल कहते हैं कि आइए उस शख्स के लिए तालियां बजाए जिनसे कियारा शादी करेंगी। इसके बाद अक्षय कुमार कमेंट करते हैं, ये बड़ी सिद्धांतों वाली लड़की है। अक्षय के इस कमेंट के बाद कियारा को ब्लश करते हुए भी देखा गया था। इतना सब होने के बाद भी सिद्धार्थ और कियारा अपने रिश्ते की बात को डिनाई ही करते हैं। सिद्धार्थ को कई बार इस रिश्ते के बारे में पूछा गया है, देखे एक बार सिद्धार्थ ने क्या कहा। अब एवरीथिंग अगर आप जो भी पढ़ के अगर सच होता तो फिर क्या बात होती। दैट्स ऑल आई वांट टू से। मैं अभी सिर्फ अपने काम से रिलेशनशिप में हूँ, सिर्फ उठना बैठना उसी में चल रहा है और किसी चीज के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तो यही है। वही कियारा से जब इस बारे में पूछा गया तब उन्होंने क्या कहा, डालिए एक नजर। Honestly, whenever I'm in a relationship, I will share it with the media if I feel, you know, I want to. But right now my focus is on my career and on work, and I think that's how it should be. So I'm in a relationship with my job right now and I'm loving this relationship. New Year 2021 को celebrate करने के लिए भी दोनों साथ में गए थे Maldives. इसे देख भी लोगों ने ये कहा था कि अब तो इन्हें confirm कर देना चाहिए। इनफैक्ट इस वेकेशन से भी दोनों ने साथ में कोई पिक्चर्स शेयर नहीं किए, लेकिन फैंस को ऐसे कई हिंट्स मिले जिसे उन्होंने ये मान लिया कि दोनों साथ ही थे। लेकिन एक ऐसी तस्वीर सामने आई थी जिसे देख ये यकीन हो गया था कि ये दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं डेट। जब ये वेकेशन से लौटे तब सिद्धार्थ ने जो शर्ट पहना था उस पर सबकी नजरें गई, क्योंकि ठीक वैसे ही शर्ट में कियारा दो दिन पहले नजर आई थी। मालदीव्स में चिल करते हुए कियारा ने एक फोटो शेयर किया था जिसमें उन्होंने बिकिनी पहना हुआ था और ऊपर से उन्होंने एक येलो शर्ट पहना हुआ था, और ये शर्ट बिल्कुल सिद्धार्थ मल्होत्रा की एयरपोर्ट लुक से मेल खाती है।
अभी रिसेंटली भी कियारा को सिद्धार्थ के घर पर स्पॉट किया गया था। इन सब से लगता है कि ये दोनों है एक कपल। देखे फोटोज। वेल, आपका क्या कहना है इस जोड़ी के बारे में? क्या आपको भी लगता है कि इन्हें अपने रिश्ते को कंफर्म कर लेना चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट्स में बताना बिल्कुल ना भूले। ऑल्सो डू लाइक, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू बॉलीवुड नाउ ऑन फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब।